सो अगर वैसा कोई डील है 25,000 मेरे बच रहे जो कि मैं एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन के लिए डाल सकता हूँ। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाइक को परचेस करने का सही तरीका, जो कि सिर्फ ओनली 5 मिनट्स के अंदर मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा। देखो ये प्रोसीजर बहुत बड़ा होता है एंड सही तरीके से किया जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हो सकता है कि मे बी कुछ तरीके का प्रॉब्लम हो जाए। इवन मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ऐसा बहुत बार होता है कि आजकल के डीलर इतने मतलब बोलते ना कि इतने फ्रॉड इंडिया के अंदर चलते हैं ना कि लाइक आप बोल नहीं सकते। तो जो जैसे मेरे गाड़ी का नंबर है वैसे सेम मेरे गाड़ी का नंबर किसी और गाड़ी को भी देंगे एंड वो आरटीओ में रजिस्टर हो जाएगा, या फिर मेरे गाड़ी का पूरा रजिस्ट्रेशन करवाया है वही सेम नंबर किसी और गाड़ी को दे देंगे ताकि उनका आरटीओ कॉस्ट और ये सब बच जाए। सो वैसा नहीं हो तो इसीलिए आप लोगों को सही तरीके से ये सारी चीज़ें संभाल के करनी पड़ेगी। तो पहला चीज़ तो ये है कि आपको और ऑफकोर्स आपको एक बाइक चूज़ करना पड़ेगा। बाइक चूज़ करना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है बाइक लेने से पहले। बाइक लेने का प्रोसीजर बहुत ईजी है बट बाइक चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सही बाइक कौन सा है। उसके लिए भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, आप वो देख सकते हो कि आपके लिए सही बाइक कैसे तरीके से चूज़ किया जाए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि बाइक लेने का सही प्रोसीजर। सो फॉर एग्जांपल कि मुझे एक बाइक चाहिए, अभी पकड़ लो कि मुझे जो बाइक चाहिए उसका नाम है डोमिनार एंड डोमिनार मिलेगा ऑफकोर्स बजाज के डीलर में। तो किस तरीके से लेना चाहिए, या तो आपको ऑफिशियल ऑथोराइज डीलर से लेना चाहिए या तो फिर आपको ऐसा करना चाहिए कि जो बाकी के जो नॉर्मल लोकलाइज डीलर होते हैं जो लोग सेल करते हैं उनके पास से लेना चाहिए। तो देखो ये टोटली डिसीजन होता है आपके ऊपर, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको इसी के पास से लेना है उसी के पास से लेना है, बट मैं हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि जब आप ऑथोराइज डीलर से लोगे तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, सारा प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होगा एंड कुछ भी हुआ तो इन फ्यूचर आपको लाइक कंपनी से सपोर्ट मिलेगा। सो इसीलिए ज़्यादा करके ऑथोराइज डीलर से ले सकते हो। लोकल डीलर पे के पास कभी कभी होता है ना कि अच्छा अच्छा डील हो जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल डोमिनार मुझे अभी ऑथोराइज डीलर के पास मिल रहा है पकड़ लो कि कुछ 2.5 लाख रुपए में ऑन रोड, बट वही सेम चीज़ हो सकता है कि मे बी लोकल डीलर के पास मुझे 2,30,000 या फिर 2,25,000 में मिले। सो अगर वैसा कोई डील है 25,000 मेरे बच रहे जो कि मैं एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन के लिए डाल सकता हूँ, सो यू कैन गो फॉर इट, बट थोड़ा सा सोच समझ के संभाल के लेना। अब ये पहला चीज़ हो गया कि आप कौन से तरीके से अपना बाइक का जो मेन बंदा है या कहाँ से लेना है आप चूज़ करो, लोकल या फिर ऑथोराइज डीलर। अब इसके बाद जो चीज़ का बात होता है वो होता है कि जब आप बाइक लेने के लिए जाते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि जब आप कोई भी बाइक लेने जाते हो तो बाइक लेने से पहले आपको वहाँ पे जाने के बाद देखना पड़ेगा कि बाइक कैसा है, सही है कि नहीं है, अब वो आपको ऑन द स्पॉट दे रहा है डिलीवरी कि नहीं दे रहा है, फिर अगर वो नहीं दे रहा है तो फिर कितना टाइम में देगा, मैन्युफैक्चरिंग उसका कौन सा टाइम का है, वो पेपर्स आपको कौन से देने वाला है एंड लाइक जैसे हम लोग कभी जा रहे हैं तो इंश्योरेंस कौन से कंपनी का दे रहा है, अगर आप फाइनेंस पे ले रहे हो तो फाइनेंस कौन से कंपनी का आपको मिलने वाला है एंड फाइनेंस कितना साल तक का रहेगा, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाया जा रहा है एंड लाइक और भी बहुत सारी चीज़ें। तो एक एक करके मैं सब तरीके का एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ अपना बेस्ट 5 मिनट के अंदर जो भी होता है उसे। तो पहला चीज़ तो ये है कि जब आप बाइक लेने जाते हो तो आपको बाइक देखना है, ऑफकोर्स उसके पास बाइक होगा, अगर नहीं होगा और वो बोल रहा है कि वो उसके लाइक बोलते हैं ना कि वेयर हाउस से ला के देगा, सो यस आप बोल सकते हो ठीक है तुम लेके आओ, आप चाहिए तो एक मिनिमम बुकिंग अमाउंट फी पे कर सकते हो 500 या 1000, इससे ज़्यादा कभी पे मत करना क्योंकि अगर कुछ हुआ तो आपका वो पैसा डूब जाएगा, वो आपको कभी रिटर्न नहीं मिलेगा। तो 500 या 1000 पे करो, उसको बोलो बाइक लेके आओ, फिर मैं दिखाऊंगा। जब वो बंदा बाइक लेके आएगा आपके लिए तो बाइक आप अच्छे तरीके से चेक कर लो, कहीं पे गिरा नहीं है, कहीं पे क्रैश नहीं हुआ है, कौन से तरीके का कोई डैमेज नहीं हुआ है, अगर लोकल बंदे से ले रहे हो, इवन ऑथोराइज बंदे से ले रहे हो तभी भी ये सारी चीज़ें ध्यान रख लेना, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि फॉर एग्जांपल कि एक बाइक टेस्ट राइड मॉडल या एक बाइक ऐसा जो होता है जो डिलीवरी के टाइम पर थोड़ा सा डिफेक्टिव हो जाता है या फिर कहीं पे ट्रांसपोर्ट करने में डैमेज हो जाता है तो वो लोग उसको कवर अप कर लेते हैं, सो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रख लेना। अब दूसरा बात ये होता है कि जब आपने बाइक को अच्छी तरीके से इंस्पेक्ट कर लिया, आप फुल कैश पे कर रहे हो तो आपको ऑन द स्पॉट बाइक मिल जाएगा, आप डिलीवरी लेके अपने घर पे लेके जा सकते हो, बट आप उसको चला नहीं सकते सिर्फ अदर देन अपने ही जो एरिया है उसके अंदर, तो आपको उसके पहले आरटीओ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एंड अभी आरटीओ रजिस्ट्रेशन का भी क्या प्राइस है कितना है सब चीज़ आप खुद भी एक साइड पर रिसर्च करने का सोचो एंड साथ में एक और चीज़ है कि आप उनके पास से भी एक कोटेशन ले लो कि अगर वो खुद रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो क्या होगा, प्लस बाइक का पक्का बिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप बाइक लेने जा रहे हो तो ये बाइक
कितने का है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, इसके अलावा इसमें अगर कुछ एडिशनल एसेसरीज लगा है तो उसका क्या कॉस्ट लग रहा है, इसके अलावा इंश्योरेंस का क्या कॉस्ट लगा है, इसके अलावा RTO चार्जेस क्या लगे, ये पक्का बिल मिलता है, ये पक्का बिल बिना लिए बाइक को छोड़ना मत, क्योंकि ऑफकोर्स ये बहुत सारे लोग इसमें गलती कर लेते हैं, बाइक का पक्का बिल लेते ही नहीं है, एंड फिर बाद में ये होता है कि कभी अगर सेल करना रहा या फिर कभी ये भी चेक करना रहा कि मुझे मेरा बाइक कितना कॉस्ट में पड़ा, तो वो भी एक तरीके से गलत हो जाता है। तो बाइक का पक्का बिल ले लो। फिर इसके बाद होता है PUC, तो PUC भी मिलता है जब भी आप बाइक लेने जाते हो तब, तो PUC भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक साल का PUC मिलता है, बहुत सारे लोग नहीं देते जानबूझ के, क्योंकि PUC में एक थोड़ा सा चार्ज लगता है, बट PUC लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक साल का PUC मिलता है जो कंपनी प्रोवाइड करती है, फिर इसके बाद आपको जितना चाहिए आप उतना एक्सटेंड करवा सकते हो अपने खुद के पैसे से। तो ये हो गया, वैसे न्यू बाइक के लिए PUC ज़रूरत नहीं रहता है, बट स्टिल अगर आप उसको पूछ लो एंड ले लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद इंश्योरेंस, तो कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस है, वो कितना परसेंट क्लेम करता है, एंड लाइक ये सारा चीज़ आपको उसको पूछना है बंदे को। एंड अगर वो बंदा बोल रहा है कि ठीक है, अगर आपका कोई अच्छा पहचान वाला है इंश्योरेंस एजेंट या फिर ऐसा कुछ, एंड वो आपको सस्ते में करके दे रहा है वही सेम प्रोसीजर इंश्योरेंस का, तो आप वहाँ से भी करवा सकते हो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको उसी के पास से इंश्योरेंस लेना, आप सिर्फ उसके पास से बाइक ले लो, बाकी का प्रोसीजर आप खुद भी करवा सकते हो। आपको बस थोड़ा सा इस चीज़ में केयरफुल रहना है। मे भी हो सकता है कि जहाँ पे मुझे ये बाइक 2.5 लाख रुपए का पड़ रहा था जब सामने वाले बंदे से मैं करवा रहा था, लेकिन हो सकता है कि मैं अपने से प्रोसीजर कराऊँ तो मुझे ये बाइक हो सकता है कि 2 लाख रुपए या 2.25 लाख रुपए तक पड़े, 2 लाख 2.25 लाख की वही सेम चीज़ है। 5-10 हज़ार रुपये ऊपर नीचे बच जाता है तो बहुत ज़्यादा अपना काम हो जाता है, एंड प्लस ये चीज़ रहता है कि बाकी का सब चीज़ ट्रस्टवर्दी रहता है। लेकिन जब भी कभी कभी ये भी याद रखना कि जो दूसरे लोग बंदे रहते हैं वहाँ पर थोड़ा सा आपका हेडेक होता है, मतलब जब भी आप ऑथोराइज डीलर से लोगे या लोकल डीलर से लोगे तो सब चीज़ आपको करके मिल जाएगा एंड आपका एक ही जगह पे सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप खुद से करवाना चाहते हो तो आपको आगे पीछे भागना पड़ेगा, आपको सारा प्रोसीजर खुद से फॉलो करना पड़ेगा, तो ये भी एक थोड़ा सा चीज़ है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर आपको किस तरीके से करना। अब जैसे मैंने जितने डॉक्यूमेंट्स बोले, ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप अपना बाइक लेते हो तब। RTO रजिस्ट्रेशन का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, RTO रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स कितना रहेगा आपका, फिर आपने कितना पेमेंट किया है RTO में, तो आपका नंबर प्लेट कौन से कभी कितना टाइम में आएगा, बाइक का इंजन नंबर, चेसिस नंबर सब बराबर से लिखा है कि नहीं लिखा है, ये सारे डिटेल्स निकालने का जिम्मेदारी होता है आपका जब भी कोई भी आप बाइक लेते हो तब। अब जब बाइक लेने के पहले आपने जो इन्फेक्शन किया था उसको बोलते हैं PDI, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। तो अगर आपने ऐसा लिया, अगर आपने बाइक के ये किया है तो बहुत अच्छी बात है। इवन आप पोस्ट डिलीवरी भी कर सकते हो, बाइक लेने के बाद भी कर सकते हो, तो दो तरीके का होता है। तो जो मॉडल आपने देखा था, जो आपने सही तरीके से किया था, वो सब अगर ओके है, सही है, सो बेटर गो फॉर इट, एंड सही तरीके का सब वापस एक बार चेक करने में कोई तकलीफ नहीं है, तो एक बार चेक कर लो सब चीज़। अगर आपको सही लग रहा है, यस यू कैन गो फॉर इट। अगर आपको कहीं पर भी कौन से भी जगह पर छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो तुरंत ऑन द स्पॉट जो भी सब चीज़ है वो बंद करवा लो। बाइक का पेमेंट अभी आता है, बाइक के पेमेंट के बारे में, तो बाइक का पेमेंट दो तरीके से किया जाता है। पहला होता है कि आप उसको हार्ड कैश देके लेने वाले हो, दूसरा है आप उसको उसके पास से फाइनेंस करवाने वाले हो। तो अगर मैं हार्ड कैश देके लेने वाला हूँ तो हार्ड कैश में मुझे ये चीज़ देखना है कि वो बाइक सही है कि नहीं, फिर मैं उसको कैश दूंगा एंड फिर बाइक अपना मैं घर पर लेके जाऊँगा, फिर RTO प्रोसीजर एंड जो भी चीज़ होने वाला है वो बाद में मैं फॉलो करूँगा। बट अगर मैं लोन पर लेने वाला हूँ तो लोन पर लेने से पहले मुझे ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि लोन कितने का ले रहा हूँ, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, कौन से बैंक से लोन मिल रहा है, मैं उसको प्री पेमेंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको संभल के सही तरीके से लेनी पड़ेगी, समझ के सब चीज़ पहले से पूछ लो। एंड ये भी चेक कर लेना क्रॉस वेरीफाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया तो मे भी हो सकता है कि वहाँ पर तकलीफ हो जाए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। जितना मैंने सब चीज़ बताया वो मैंने ट्राई किया अपना बेस्ट एकदम छोटे से छोटे वीडियो के अंदर छोटी से छोटी डिटेल्स कवर अप करने के लिए। एक्चुअली बाइक परचेस करने का प्रोसीजर बहुत बड़ा है, बट स्टिल ये आप लोगों के लिए था। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर इसके अलावा आपको कोई और डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू बाइक।